ऐसे के अंदर एक टॉपिक आता है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट सो जिस हवा की मैं बात कर रहा हूं जिसको जो हमारी लाइफ लाइन है जिसके बिना हम थर्टी सेकेंड भी नहीं रह सकते उसकी क्वालिटी जो है इट इज कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग क्योंकि इसकी क्वालिटी कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रही है तो हमारे पास में वेरियस रिपोर्ट्स हैं उसको मेजर करने के लिए बिकॉज है ना दिस कैन बी सब्जेक्टिव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बट वी हैव साइंस टू ऑब्जेक्टिफाई एवरीथिंग राइट तो इसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं राइट right? यूपीएससी का ये काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक रहता है बिकॉज दो कारण है इसके एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्वायरमेंट का पार्ट है सरकार भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है है ना और हम सब पार्ट है नेचर का तो इस इस वजह से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है दूसरा जो आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो बच्चे कोइंसाइड करता है आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ में राइट right? स की जो फॉरेस्ट सर्विसेस जहां पर आपको हायर लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस चाहिए उसका जो एंट्री गेट है वो सेम है जो सिविल सर्वेंट का है टॉपिक है जो कि आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं कॉलेज से रिलेटेड होते हैं वो उनके आने के चांसेज बाकी टॉपिक से थोड़े से ज्यादा होते हैं हम लोग भी जो हम क्लास में यहाँ पे बात करते हैं और इस टाइप के टॉपिक को जो हम कवर करते हैं वी ऑलवेज मेक श्योर राइट की इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें बाकी टॉपिक्स को भी नहीं लिया जाता बट आई पर्सनली नो कि बच्चों को किस हद तक वो चीज जाननी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज तो बेअंत है इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं रिपोर्ट की डिटेल्स में जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है राइट right? वैसे ही हमारी आज की ये रिपोर्ट है विच इज कॉल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अब सबसे पहली बात तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है तो अगर वो इसका आपसे पूछेंगे कि ये किसने पब्लिश करी है तो आपके सामने ना वो दो तीन तगड़े तगड़े ऑप्शन देगा यूएनएफसीसी दे देगा है ना इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एज इन जनरल दे देगा इसके अलावा आपके पास में वो एनजीटी वगैरह का नाम दे सकता है बड़ी बड़ी इनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड आपका वर्ल्ड वाइल्ड वा, वा, लाइफ बहुत सारी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन है, है ना जो कि इनवायरमेंट की जो रेटिंग्स हैं और इन सबको प्रोवाइड करता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही ध्यान रखना दैट इट इज़ अ रिपोर्ट दैट इज पब्लिश बाई एयर ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है राइट पर फेमस है इसकी रिपोर्ट को ना गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली लेती है राइट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका नाम जानना तो क्या बोलती है रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एयर क्वालिटी इन द ऑफ एनी कैपिटल सिटी इन सेंस में नहीं लेके जाना, सिटीज की कंपैरिजन की बात हो रही है लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर भी ये चीज डिस्कस करी थी दैट एक रिपोर्ट आई थी कि ईस्ट स्टेट uh, जो है वहां पर भी पॉल्यूशन की समस्या ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क है ना उसकी समस्या जो है और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन दोनों कारणों की वजह से आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ रहा है राइट right? दूसरी रिपोर्ट ये है ये दिल्ली का केस थोड़ा सा इतना भी मतलब अंश हुआ नहीं है हमें पता ही है कि दिल्ली का केस क्या है इनफैक्ट अगर आप लोग दिल्ली में और वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप इमीजिएटली रियलाइज करोगे कि हम क्या बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे राइट डेटा कलेक्शन द इट कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ऑलमोस्ट एट थाउजेंड प्लेसेस थ्रू आउट वन थर्टी फोर कंट्रीज रीजन

टू पॉइंट फाइव राइट इतना हार्ट डिजीज स्ट्रोक एंड अदर क्रॉनिक फॉरन पार्टिकल है एक्स्ट्रा एक एक पार्टिकल है आपकी बॉडी में जाएगा तो नुकसान ही करेगा है ना और इसके पास कैपेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज की सकता है आपके ऑर्गन के अंदर सिस्टम के अंदर राइट right? रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं इसमें ज्यादा कुछ देखने वाला है नहीं है है ना कुछ आपको याद नहीं करना है, में में आपको बता के सवाल आ सकता है। एक दो पॉइंट है थर्ड पुअरेस्ट एयर क्वालिटी विद एन एवरेज एनुअल पी एम टू पॉइंट फाइव फोर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एक बार फटाफट से मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए कि डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से कितने लेवल तक सेफ होता है इंडिया परफॉर्म बेटर देन ओनली टू ऑफ इट्स नेबर्स विच इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान राइट हैंड पुअरेस्ट है तो यही ऊपर ऊपर हुए फर्स्ट एंड सेकंड इंडिया वाज रैंकड एज द एट मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री विद एन एवरेज दो हजार बाईस का डेटा बच्चे पीएम टू फॉर्ट कंसंट्रेशन ऑफ फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री माइक्रोग्राम दैट मीनस की पॉल्यूशन लेवल बड़ा है इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री वाइल बांग्लादेश डिमेंट दी वर्ल्ड मोट पॉल्यूटेड कंट्री विद एन एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन माइक्रोग्राम्स राइट इसके अलावा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बांग्लादेश है दैट इज 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 फर्स्ट पाकिस्तान एंड एंड इंडिया थर्ड नॉट इन अ गुड सेंस राइट इसके अलावा पोल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड फॉर द फोर्थ ईयर द रैली वॉज नेम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी बेगूसराय बिहार हैज बिन डिस्क्राइब्ड वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड अर्बन एरिया ठीक है बच्चे ये दो चीजें आपने याद रखनी है इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा कोई सवाल जो है आने के चांसेस थोड़े से कम एंड दैट इज ऑल थैंक्स फॉर फॉर द द वीडियो दिस मिनट टू पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड योर प्रम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन यू आई एस करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.